फेवरेट दादा अनुभव दा। हमारे फेवरेट दादा सुमन दा। ये क्या क्या बेच रहे हैं? भेलपुरी और फुचका। ये फुचका है? इतना छोटा साइज का? नीचे बनाए, आते बनाए, खुद से बनाए। ओल्ड ढाका शाकाहारी बाजार का ये पहला फूड स्टॉप है हमारा फूड टूर का, और इस वक्त हम लोग जगन्नाथ विश्वविद्यालय के बाहर एक फुचके की दुकान है जहाँ से हमने फुचका लिया है। ये बाइट साइज मिनी फुचका है, उसके ऊपर में मटर है, खीरा है, प्याज है, पूरा एक थिक पेस्ट है और इमली का पानी है। आइए अब इसका जायका लिया जाए। बहुत बढ़िया है। मालो मालो नीचे बनाई, नीचे बनाई आपने बनाया? नीचे बनाया मैं वो ढाका बार सिटी पर। कब से काम कर रहे हैं ये काम? मैं कितना समय हो गया, कितना टाइम हो गया? कत दिन हां 25 26 26 बरस। ये तो फूड लेजेंड है। हां क्या बात, मालो मालो खूब मालो, बहुत टेस्टी है। जा रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद दादा धन्यवाद। जगन्नाथ विश्वविद्यालय के एक कॉर्नर पे पुस्तके की दुकान थी और एक कॉर्नर पे ये दुकान है जहाँ पे नाश्ता मिलता है। इसका नाम जॉय बिक्रमपुर मिष्ठान भंडार है और लगभग 30 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है। और नाश्ते में यहाँ पे छेका परोठा जो सर खा रहे हैं, हमने बनते हुए देखा, अभी हम भी खाएंगे, और मिष्ठी मिलता है और साथ में तरकारी। अरे वाह, लोग पराठा और मिष्ठी खा रहे हैं, ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है मिष्ठी के साथ परोठा खाने का। तो आप दूसरा सब्जी खाएंगे? हलवा खाएंगे? हलवा कहाँ है? किस चीज़ का हलवा है? सूजी का हलवा, हलवा परोठा। अरे वाह, सूजी का हलवा हम भी खाएंगे। एकटा परोठा, एकटा छाना और एक था रसगुल्ला। जैसे लोकल लोग खा रहे थे वैसे मैं भी खाऊंगा। पहले परोठा को चाशनी में लगाएंगे। बिल्कुल गाढ़ी चाशनी है, अच्छे से वो पराठे में लिपट जाती है और सुपर स्वीट। अब इसको थोड़ा मिठाई के साथ खाया जाए। हालांकि है बहुत तेज़ मीठा, बट जो रसगुल्ले का छेना है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्लफी है। अब इसे खाते हैं छेने के साथ। इसके साथ अच्छा है, इसकी मिठास थोड़ी कम है, और जैसा हलवा होता है उसके तरह टेक्सचर इसका मिल रहा है, मतलब प्योर छेना और माइल्डली स्वीट। मजा आया। जिस बाज़ार में हम लोग घूम रहे हैं, इस बाज़ार का नाम शाकाहारी बाज़ार है। शाकाहारी मतलब शेल आर्टिसंस, और ये कॉन्च शेल्स जो ये हैं उनसे उसको काट के ये बैंगल्स बनाए जाते हैं, ईयर रिंग्स बनाए जाते हैं, रिंग्स बनाए जाते हैं, उससे इस बाज़ार का नाम पड़ा। दिस इज़ अ मार्क ऑफ अ मैरिड वुमेन। तो जो औरतें मैरिड होती हैं वो ये पहनती हैं, ये शाका और ये पोला दोनों मिला के साथ में पहना जाता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहे हैं सभी की सभी चीज़ें खट्टी मीठी है। इमली की कैंडी है, आम पापड़ है, इमली का पानी है मिर्च के साथ में। हम लोग ले रहे हैं हजमी, और ये बचपन में बहुत खाया है, ये खाते ही आपके जीभ पे रखते ही बिल्कुल टिंगल करता है,
एक जलन सी होती है, शार्प एसिडिक इसका टेस्ट होता है। और तो इसे लेते हैं 10 टका का और खाते हैं। बहुत शार्प टेस्ट है, एक्सट्रीम एसिडिक। दांत खट्टे हो गए। इसे पैक कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खाते रहेंगे। अरे बक्सा नुमा ऑटो है, ऐसा लगता है अगर इसके अंदर बैठ गए तो ऐसा लगता है किसी केज में बैठे हुए हैं, ऐसे किसी इंसान को बंद करके बैठा दिया है। धन्यवाद। एक था सिंघारा। जैसे पूरे इंडिया में हर जगह समोसा खाते हैं, बंगाल में सिंघाड़ा खाते हैं, बिहार में सिंघाड़ा खाते हैं, उड़ीसा में सिंघाड़ा खाते हैं, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश में भी यहाँ सिंघाड़ा खाया जाता है। और स्पेशल ये बनाता है कि इसके अंदर में सब्जियाँ होंगी, इसमें बादाम होगा, मतलब वो मूँगफली के दाने होंगे, इसमें गाजर भी है। आइए ये दालचीनी है। तो अच्छा हुआ मैंने खोल लिया इसको, अगर नहीं खोला सीधे पूरा का पूरा दालचीनी मेरे मुंह में आता। और ये जो आलू है इसके अंदर में वो क्यूबिकल है, मतलब कटे हुए आलू है, मैश्ड नहीं है। साथ में गाजर है इसमें। हमको समोसा पसंद नहीं आता है, हमको सिंघाड़ा पसंद आता है। और मेन कारण इसका बादाम है, जो बादाम इसमें होता है ना वो अच्छा लगता है। इसमें अच्छा एक स्वीटनेस भी है, साथ में जो आलू भी हैं वो छिलके के साथ हैं, और सारा का सारा जो फ्लेवर होता है आलू का मुझे लगता है वो छिलकों में ही होता है। बहुत शानदार, बिल्कुल अच्छे से अंदर तक इसकी परत पकी हुई है, बिल्कुल फ्लेकी। बांग्लादेश जाना जाता है अपने इलिश माछ के लिए, इनफैक्ट बांग्लादेश का नेशनल फिश है इलिश, और उसका ये अंडा है जो कि प्याज में लगा के अच्छे से इसको भुना गया है। इसे ऊपर में कुछ लगाते भी हैं, नहीं खाली खाली अंडा है। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है फिश का, है ना, बहुत तेज है। हाँ राइस खाएंगे। ये फुली फुली मछली ये মাছটা খাওয়া আমাদের বেশিরভাগ মানুষের মানে জন্ডিস হয়ে গেলে, জন্ডিস টন্ডিস হয়ে গেলে সুস্থ যখন হয় তখন আমরা এই মাছটা ডাক্তার বলে মাছটা খেতে, হ্যাঁ মানুষ সুস্থ থাকে, তাকত আতা হ্যাঁ, এবং ব্লাড পরিষ্কার থাকে, মাছটা ব্লাড বনেগা এসে হিমোগ্লোবিন বাড় যায়, বাহ তো তো কি জরুরত হ্যায় মুঝে চলিয়ে। तो इसको चितौल चितौल फिश भी बोलते हैं। এটা কি চিতল ছোট ছোট का छोटा छोटा चितौल है, है चितौल वाला ये टेस्ट। कच्चा कोला मतलब कच्चा केला है, ठीक है। और ये आलू, आलू टोमेटो और टोमेटो, और ये फिश। अरे इसे बहुत सारा काटा है, ये कैसे खाएगा हम? मेरे ये एपिग्लोटिस में जाके फंस तो नहीं जाएगा? फंसेगा तो नहीं गला में? ना किच चाह गया, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे। अभी सॉफ्ट सब है और ऑयली है फिश, हाँ नहीं मजा आया मेरे को अंडा, नहीं मजा नहीं है। मैं पर्सनल ये डिमेर जुन्नो ये खबर एक का बहुत पसंद हो ইলিশের আন্ডার জন্য আমাদের এখানে মারামারি হয়ে যায়। মারামারি? হ্যাঁ বাজারে ইলিশের আন্ডার জন্য। আমি তো মারামারি নেই করেগা इसके लिए। হ্যাঁ মানে বাজারে গেলে বুঝা যাবে। বাজার মে 500 টাকা বললে 500 টাকা দিয়ে কিনে নেবে আন্ডা। আর আমি আমাকে খবর গলা মে নাই ফসবে। আর ফস যায় তো চাল খানে গা। বেসে इसका বোন সফট है। आप च्यू कर सकते हैं, मज़ा आया, बहुत टेस्टी फिश है। और
तीखा भी नहीं है। जो बांग्लादेश का मेन स्टेपल फूड है वो राइस और फिश है ना, माछ भात, माछ भात, मतलब उसके बिना यहाँ खाना पूरा नहीं होता है। और फिश की कई वैरायटी है। इस रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पे रोई है, बाटा है और चितौल फिश है, इसको खुले फिश बोलते हैं। खाना खूब भालो भालो हिंदू होटल तो हमारा खूब परिष्कार परिच्छन्न भावे है। हाँ हाँ आसपो 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 ये सब पीता है, सब्जी है, नहीं आमिष नहीं है, सब सब्जी। अच्छा हमको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल रहा है। ये क्या है? स्वीट बन, क्रीम बन, केक, फ्रूट केक, एक पाती शप्ता, एकता, ये क्लासिक बंगाली मिठाई है, इसको पाती शप्ता बोलते हैं। ये जो इसकी परत है वो चावल से बनी हुई है और इसके अंदर में खीर है। ये चावल वाला खीर नहीं है, ये कंडेंस्ड मिल्क जो हम कहते हैं गाढ़ा दूध, थिकेंड मिल्क, वो खीर है, बंगाली खीर है। जो इसका टेक्सचर है बाहर से बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी फ्लफी है, अंदर से क्रीमी गुड़ी टेक्सचर है इसका, थोड़ा मीठा है। पातिशाप्ता का एक और वर्जन है जिसके अंदर में नारियल स्टफिंग की जाती है, ये खीर स्टफिंग वाला है। पातिशाप्ता भालो, खूब भालो। तो यहाँ पे कासुंदी मिल रहा है, थोड़ा टेस्ट कराइए, थोड़ा टेस्ट करें। सुपर पंजेंट, और बिल्कुल झांस जो है आपके नॉस्ट्रल से होते हुए अंदर तक जाती है, बहुत तेज है। लेकिन इसका मज़ा आप इसको भाजा के साथ खाएं, सिंघाड़े के साथ खाएं, या सिर्फ चावल के साथ ही खाएं, बहुत मज़ा आता है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और ये भाई साहब घर पे बना के लाते हैं, इसमें क्या क्या मिलाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं इसमें? क्या क्या मिलाते हैं मसाले में? जीरा, तेज पत्ता, गोल मिर्ची, इलायची, सरसों, ये सब को साथ में पीस के इसको बनाया जाता है। कैसे देते हैं? एक लीटर 200 टका। 200 टका? और कितना दिन तक चल जाएगा ये? कितना दिन तक खा सकते हैं इसको? एक बरस तक चलेगा। इतना सिमेट्रिकल सौंदेश की कटिंग की जा रही है स्केल लगा के कि एक इंच भी मतलब ज़्यादा ना हो, कम ना हो, है? आपके दुकान का नाम क्या है? जॉय माँ मिष्ठान्न भंडार। ये आपका कब से है दुकान, जॉय माँ? कितना साल हो गया दुकान का? 92 से। आपके यहाँ तो बहुत तरह का मिठाई है। अरे ये तो वो है सीताभोग। एक बात समझ नहीं आई, जहाँ पे हमने एक और जॉय बिक्रमपुर मिष्ठान भंडार में मिस्ट्री खाया था वहाँ वेंडर लिखा हुआ था, यहाँ भंडार, मतलब भंडार को भंडार वेंडर बोलते हैं। चलिए सर हम लोग को खिलाइए एक पीस फ्रेश वाला। यहाँ पे हमने तीन तरह की मिठाई ली है, कच्चा संदेश बिल्कुल फ्रेश, साथ में लेडी केनी और चमचम। पहले ये खाएं। बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया, एकदम सॉफ्ट, दानेदार, मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल गया। चीनी की बात करें बिल्कुल मिनिमल, ना के बराबर, और अभी भी हल्का गर्म है, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है कच्चा संदेश, प्योर छेना, ये लेडी केनी। ये जो मिठाई है लेडी केनी बोलते हैं, ये लेडी कैनिंग जो कि इंडिया में एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1856 से 62 तक,
उनका नाम था चार्ल्स कैनिंग, उनकी वाइफ के नाम पे इस मिठाई का नाम पड़ा है और बंगाल में से लोग बहुत शौक से खाते हैं। एक तरह से ये गुलाब जामुन ही है बट सॉफ्ट वर्जन ऑफ गुलाब जामुन, बहुत शानदार। ये चमचम मिठाई है, इलोंगेटेड शेप में, ऊपर में मावा है और ये चाशनी में ही पकता है। बहुत तेज मिठाई है। तो आपके यहाँ तो बहुत तरह की मिठाई यहाँ मिल रही है। ये किस काम में आता है? प्रसाद चढ़ाने के? नकुल दाना, नकुल इलायची दाना मंदिर के, मंदिर के लिए। हाँ, वही मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए ना। ये तो चीनी का होता है। हाँ, चीनी का है। सामने मंदिर है, मंदिर कौन से भगवान का है? काली माँ का। इसके अंदर में क्या है? ये बूट चना, चना दाना बूट, चना भालो ना, ये भालो। हाँ, चीनी भालो। चले सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है? हमारा नाम वरुण चंद्र घोष। वरुण 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 चंद्र घोष। अनुभव, हमारा नाम अनुभव। पंजाब बिहार पंजाब सब एक। ठीक है घोष बाबू, नमस्कार, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन घोष। ये जो आपका रेस्टोरेंट है इसका नाम कश्मीरी रेस्टोरेंट है? हाँ, कश्मीर बिरयानी हाउस। कश्मीर बिरयानी हाउस है। इसका नाम कश्मीर क्या कुछ रिश्ता क्या है? एक्चुअली ये तो मैं फिफ्थ जनरेशन हूँ इस दुकान का। तो मेरा दादा, परदादा और परदादा का बाबूजी, इसका मिठाई का दुकान था ये। तो आफ्टर 1990 बाबरी मस्जिद का एक रायट हुआ था बांग्लादेश पे, तो उस टाइम में हमारा दुकान घर बार सब जल गया था रायट में। तो आफ्टर द रायट मेरा बाबूजी चिंता कर रहा था, खूब परेशान था, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कुछ तो नहीं है घर पर। तो एक दोस्त और वो खुद भी डिसीजन लिया कि हम बिरयानी का दुकान करेंगे। तो उसका नाम क्या देंगे हम, नाम क्या देंगे? तब मैं बहुत छोटा था, तो उसने चिंता किया, कश्मीर बिरयानी हाउस नाम किया जाए इसका, तब से चल रहा है। आपके यहाँ पे ये तीन डेग में देख रहा हूँ। हाँ हाँ, तीनों डेग में क्या क्या है? एक चीनी गुड़ा कच्ची बिरयानी, चीनी गुड़ा चावल का जो पुलाव चावल बोलता है, एक चिकन बिरयानी वाइट पुलाव एंड रोस्ट चिकन रोस्ट, एक बासमती कच्ची। यहाँ पे जो बिरयानी बनती है बांग्लादेश में, हाँ हाँ, वो कच्ची बिरयानी चलती कच्ची है। कच्ची बिरयानी, उसमें मीट कच्चा होता है। हाँ हाँ, और चावल भी कच्चा रखते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद दम पे पकाते हैं। दम पे पकाते हैं, हाँ। वही सेंस आप भी बनाते हैं? हाँ हाँ। और ये मतलब सुबह से शाम तक दुकान खुली रहती है? हाँ हाँ, अभी तो रमज़ान चल रहा है, अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। और फिर भी हम सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहते हैं। हम डेली पकाते हैं और डेली सेल करते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो गरीब को बांट देते हैं, कुछ नहीं रखते। एवरीडे फ्रेश फूड। यहाँ पे हमारे पास बिरयानी है, साथ में पुलाव और चिकन रोस्ट है। जो बिरयानी है इसमें राइस में वेरिएशन है। एक चीनी गुड़ा राइस से बिरयानी बनाई गई है, एक बासमती चावल से बिरयानी बनाई गई है। जो बासमती चावल है वो लंबे दाने वाले हैं, जो चीनी गुड़ा है वो छोटे दाने वाले हैं। बनाने का तरीका दोनों का सेम है, इंग्रेडिएंट्स दोनों में सेम गया हुआ है। और एक हमारा ये ड्रिंक है, इसको बुरहानी बोलते हैं। ये क्या है वो टेस्ट करके बताएंगे। साथ में चिकन जाली कबाब या जाली चिकन कबाब, और ये जाली जो बनती है वो अंडे से बनी हुई है और मटन। तो पहले शुरुआत चावल से करते हैं, चीनी गुड़ा राइस से। अच्छा सा एक मीठापन है इसमें, एक स्वीटनेस है,
थोड़ा गोश्त मिलाया है, बिल्कुल रेड मीट। एक खस्सी के मीट का एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है, मीट में एक सॉफ्टनेस होती है। लस्सापन होता है जो कि फैट के कारण होता है, वो इससे बरकरार है। जो चिपचिपाहट होती है गोश्त की वो बरकरार है। बिरयानी के फ्लेवर्स की बात करें तो शुरुआत चावल से करते हैं। जो चावल इस्तेमाल किया गया है वो चीनी गुड़ा राइस है। चीनी गुड़ा राइस जिसे वेस्ट बंगाल में गोविंद भोग भी बोलते हैं, अगर कच्चा स्मेल करेंगे तो उसमें कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन पकने के बाद एक अच्छी मीठी खुशबू निखर के आती है। और जो बिरयानी बनाई गई है उस चावल से काफ़ी फ्लफी है। अब ये मेरा खाते लंबे जाने वाले। फ्लेवर वाइज जो मसाले हैं वो सेम इस्तेमाल किए गए हैं, बस ये थोड़े खिले खिले बने हुए हैं और इसमें स्वीटनेस नहीं है जो कि चीनी गुड़ा राइस में है। इस बिरयानी के मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। इस बिरयानी में कई सारी चीज़ें डाली गई हैं। मिल्क पाउडर है इसमें, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें आलू बुखारा है, बादाम का पेस्ट है, साबुत बादाम है, किशमिश है, साबुत मसाले हैं, साबुत मसालों को पीस के डाला गया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, फ्राइड प्याज है। ये सभी चीज़ें मिलने के बाद इसमें अलग अलग फ्लेवर्स निखर के आ रहे हैं। जो चावल का टेक्सचर है वो काफ़ी फ्लफी है, ओवर ग्रीजी भी नहीं है और खुशबूदार है। मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें मीठा इत्र भी डाला गया है। और चाहे वेस्ट बंगाल हो या बांग्लादेश हो, बिरयानी में आलू होना लाजमी है। अब बारी है पुलाव और चिकन रोस्ट की। अब पता नहीं इसको रोस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि चिकन रोस्टेड तो नहीं है लेकिन ग्रेवी के साथ पकाया गया है। जो पुलाव है वो प्लेन है, उसमें कोई चिकन का फ्लेवर नहीं है। और इस पुलाव को बनाने में भी घी का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो चिकन है ये कंट्री चिकन है, देसी चिकन है। और इसका मीट को पकने में टाइम भी लगता है लेकिन फ्लेवर बहुत ही उम्दा होता है। और इस पुलाव में स्वीटनेस है, जॉली कबाब खाते हैं जिसमें मिन्स चिकन, प्याज, अंडे का बैटर, वाह ये तो बिल्कुल कटलेट की तरह है। और पुदीने का पत्ता भी है इसमें, स्पाइसी है। साथ में एक और चीज़ है, ये जो चीनी गुड़ा राइस है ये फ्लफी है, साथ में लाइट भी है, तो आप ज़्यादा ऐसे खा सकते हैं कंपेयर टू बासमती चावल। ये चिकन मसालेदार हैं, पहला जब बाइट लेते हैं तो स्वीटनेस आता है, उसके बाद स्पाइसेस हिट करते हैं। और हम जैसे राइस ईटर्स के लिए बांग्लादेश तो हेवन है। हम इतना हैवी खाना खाया है, साथ में बुरहानी पियेंगे। ये तो लस्सी की तरह लग रहा है, मीठा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बटर मिल्क की तरह होगा, थोड़ा सा पटा होगा। मसाले भी हैं, काले नमक का फ्लेवर आ रहा है, शुगर मिला हुआ है इसमें। मतलब आप कहें तो ये पतली लस्सी है, हाँ हल्का मसाला भी है इसमें। इतना हैवी ग्रीजी खाना खाने के बाद ये एक अच्छा खट्टा मीठा ड्रिंक है।
डाइजेस्टिव ड्रिंक ऑफ बांग्लादेश बुरहानी। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत आपको बहुत अच्छा लगा आपका साथ मिल के। आइएगा बांग्लादेश, आप विजिट करिएगा, आएंगे आप जरूर आइएगा। बिरयानी बहुत अच्छा लगा आपका, हमारे लिए आप आशीर्वाद करिएगा। देखो हम दुआ करेंगे आपका एक दुकान से 10 दुकान और हो जाए। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। गली हम लोग क्रॉस करते आए हैं, ये सुनार पट्टी है, मतलब ज्वेलरी स्ट्रीट है। ज्वेलरी स्ट्रीट, ज्वेलरी स्ट्रीट है। ताती बाजार, ताती बाजार, सही। यहाँ पे क्या खा रहे हैं? यहाँ जामाई बहू वेरी फेमस है, सब जगह पे ये मिलते हैं। ये जामाई बहू के नाम में ढाका में भी देखा, चट्टोग्राम में भी देखा। छोटा सा कार्ड लेके उन लोग चनाचूर सेल करते हैं। ये चनाचूर है, चनाचूर, चनाचूर मिक्स। ये एक जगह से तेरी प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बहुत सारी जगह पे, उसका के अंडर में ही उन लोग सेल करते हैं, उन लोगों का आउटलेट है। कड़क खस्ता, हाँ, और इसमें बेसन की पापड़ी है, सेव है, खीरा है, मतलब चिवड़ा है, बादाम है, और जो इसमें अलग से ऐड किया गया है वो सरसों का तेल है, प्याज टमाटर है, और मसाला है, नमक और धनिया पाउडर मिक्स करके जो मसाला बनाया हुआ है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी है जो इसमें मेन फ्लेवर, इनफैक्ट उसी का ही है। मैं ज़्यादा चिली यूज़ करता हूँ। तेज खाते हैं, बहुत मस्त बना हुआ है। थोड़ा सा अगर नींबू हो ना, और मज़ा आता है। चना का दाल भी, मतलब सब चीज़ें फ्राई करके बिल्कुल खस्ता बनाया हुआ है। चना चोर बोलते हैं तो। चना चोर मिक्स। हर तरफ स्ट्रीट फूड है, खाने की दुकान है, पराठा, चा, सिंघारा, दूचा ना ना हो, दूध चा ढूंढना भी एक अपने में काम है। यहाँ पे यहाँ मिलेगा दूध चा लगता है मेरे को। दादा दूध चा हो बे, ये दूध तो है। वो कहाँ मिलेगा? पोटाटा, पोटाटा, पोटाटा नहीं खाया, बांग्लादेश आए तो। ये जो पोटाटा है ये पोटैटो से बना है, ये पोटैटो चिप्स और बिस्किट का हाइब्रिड है। कैराम का जो गोटी है ना, उस जैसा लगता है मुझे। हाँ, कैराम गोटी है, सेम। एक बार में खाते हैं। पता नहीं इस फ्लेवर में क्या है, एक आपको नॉस्टैल्जिया स्ट्राइक करता है इसको खा के। खाते ही जाओ। और बिल्कुल पतला है ना, फिन वेफर की तरह है, तो आप रुकते नहीं है। असल में ये फूड डिप्लोमेसी का हिस्सा होना चाहिए। इतना लोग बांग्लादेश में से खाना पसंद करते हैं, उतना इंडिया में पसंद करते हैं। इनफैक्ट अब इंडिया में भी कई ब्रांच इसको बनाने लगे हैं। लेकिन पोटाटा पोटाटा आपको, ये इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाएं, हर कोने में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा खाने को।
जगन्नाथ भोजनालय, जगन्नाथ भोजनालय, जगन्नाथ भोजनालय, प्लीज सिट डाउन। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। माई कैंटीन है, व्हाट इज योर कंट्री? कंट्री इंडिया। ओ भारत, भारत, भारत माता की जय। जय जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। तो रामनवमी उत्सव है आज? हाँ, आज रामनवमी। चलिए, क्या आपके स्वागत है जगन्नाथ भोजनालय में? बैठिए, शाकाहारी भोजन करेंगे। बैठिए बैठिए, शाकाहारी है, शाकाहारी, सब शाकाहारी, भेजे भेजिए। ये है हमारा जगन्नाथ भोजनालय का टीम, टीम मैनेजमेंट कमेटी। देखिए देखिए, सब भक्त है, डेप्यूटीज है सब। आप खाना खा लिए? ना, हम उपवास है। आज उपवास है? रामनवमी को उपवास, कुछ नहीं खाने का। हम खा सकते हैं? सिर्फ शरबत खाए खाएंगे, कल कुछ नहीं, कल फ्रूट्स खाएंगे। चलिए, हम तो कस्टमर हैं, प्लीज खा सकते हैं। माइक, थैंक यू सो मच। अब बताइए, तो ये जितना भी आइटम है, ये सब साग सब्जी सब 40% का है, और दाल 20% का, और पायस 40%, और चटनी 30%। तो और चावल जो होता है उसका, उसका 20 रुपया एक थाली का, एक थाली का 20 रुपया, सेकंड थाली का 10 रुपया में लेते हैं। और चावल कौन सा बनाते हैं? चावल कौन सा चावल इस्तेमाल? चावल मिनी केट चावल, मिनी मिनी केट चावल, मिनी केट चावल, मिनी केट चावल, मतलब यहाँ का लोकल चावल है। जात का नाम है? अच्छा, ये जात का नाजिर, जिला नाजिर है, नाजिर सेल है, पाइक मिनी केट है, नॉर्मल चावल है, यह है मिनी केट, उस सब का मिनी केट एक ब्रांड है। खाना ऐसा चीज़ है जो लोगों को जोड़ता है ना, फूड कनेक्ट। तो एक बार फिर से हमें बताइए, इस इन जो विभिन्न कटोरियों में जो सब्जियां हैं क्या क्या है? ये तो आलू सोयाबीन है, ये है आलू सोयाबीन, कटहल, ये है इचोर कटहल, कटहल का रसा, ये है पटल का रसा, परवल, ये है बैगन, ये है ये बंधा गोभी, बंधा गोभी, ये है बाटा, ये है कच्चा कला का बाटा, कच्चा कला, ये है सिम का रसा, सिम का रसा, सिम का रसा, ये है धोखा कश्मीरी पनीर, जिसमें बोलता है कश्मीरी पनीर, दो आइटम डाल। अच्छा अनीस भाई, ये बताइए कि इतना सब तो कुछ खाएंगे नहीं, नहीं, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इचर के कटहल का जो इचर है, सुपर, कटहल जरूर खाएंगे, हम लोग ये धोखा जरूर खाएंगे, चामिस दो, चामिस। उसके बाद फिर दाल लेते हैं, दाल कौन सा लेते हैं? चने का जो बोला है वो लेते हैं ना, चना मिक्स वाला ना, मिक्स वाला ये चना, ये भरता है, लीजिए भरता है, हैवी टेस्ट, हैवी टेस्ट। कौन सा है? कोचू शाक जो है वो बढ़िया, एक रूट होता है उसका, रूट जो है वो भी हम लोग खाते हैं, उसका जो लीफ है वो भी मज़ेदार है, दोनों चीज़ अलग से रंगना करते हैं। कोचू के जो थोर है वो हम लोग थोर कहते हैं, जो रूट, उसके साथ आप जो भी पकाए, उस कटहल का इचोर जैसा है वो डिफरेंट टाइप का होता है। अरबी तो नहीं होता? अरबी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरबी क्या होता है? कचू, व्हाट यू से, हम लोग तो कचू कचू ही बोलते हैं, खा के क्या पता। हाँ, अब देखते हैं, खा के देखिए, चलिए प्रथम में खाते हैं, प्रथम में, फर्स्ट में, फर्स्ट फर्स्ट पहले खाते हैं, ये फर्स्ट, ये खाएं, चटनी और पायस बाद में लेंगे, मैंने इतना काफी है, बाद में चटनी, बाद में थोड़ी बाद में। ये हमारा हो गया, हो गया, हम परिवेशन कर रहे हैं। हाँ, परिवेशन करें। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। छोलर दाल, धोखा, कटहल और कचू साग, कचू साग, कचू साग, पहले कचू साग ही खाते हैं। हाँ, कचू साग ही ट्राई करते हैं। अब देखना अपने मोबाइल में कचू साग हिंदी में क्या बोलते हैं? अरबी, 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 मतलब आई वाज करेक्ट, कचू साग का नाम अरबी है, मतलब ये हिंदी में अरबी है। हाँ, अरबी बोलते हैं हम लोग, हिंदी में। तो कचू साग अरबी ही है जो हमने खाया। अब थोड़ा कचू साग तो हो गया, नेक्स्ट ये है धोखा खाते हैं, धोखा खाते हैं, ये सब्जी वाला धोखा है ना, इसे खा के धोखा होगा, और इसलिए इसका नाम धोखा पड़ा है क्योंकि ये आपको नॉनवेज वाला फील देता है। रियली? इसलिए इसका नाम धोखा पड़ा, धोखा डालना बनाते हैं लोग ना। हाँ हाँ हाँ, बंगाली से बनता है, उसके पीछे यही है, यही आपको नाम का, इसलिए। हाँ, देखिए खा के आपको टेक्सचर कैसा लग रहा है, चबाइए, टेक्सचर दे रहा है, देख के आप कह सकते हैं नहीं कि वेजिटेरियन डिश है। सॉरी,
आप कटहल खाते हैं? नो फ्रिल्स रेस्टोरेंट, बिल्कुल बेसिक सेटिंग बट खाना बहुत ही बढ़िया, सादा खाना, सात्विक खाना, वैष्णव खाना, ये है छाना, जैसा खाना ये छाना आपको दे रहा है, आपको दे रहा है, हमको दे रहा है। चटनी खिलाइए ना। यस यस। नीम अमड़ा है, अमड़ा और इसका खट्टा चारी बनता है हम लोग घर पे। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। बढ़िया जीरा सरसों देके बनाया गया। वाह। नमस्कार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए। भुना हुआ धनिया अच्छा है। हरे कृष्णा। तो इसको बोलते हैं मुरली, 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 मुरली है, मुरली है, मुरली मुड़ा हुआ, मुरली मुड़ा है, मुरली। मैदा का बनता है? मैदा का बनता है। ये भी मैदा का बनता है? मैदा, चीनी और ये है गजा। ये स्वीट है? ये तो गजा हम खाया है पहले। हमको मुरली खिलाइए। मुरली गजा खाइए, मुरली खाएंगे, मुरली खाइए। गजा तो हम खाया है। एक था, एक था दोस्त। हाँ अच्छा, ये तो शक्कर पारे है। एक गाजा भी दे दीजिए। मल्टीपल लेयर्स, ये भी मैदे से तैयार किया जाता है। मैदे के अलग अलग परत बनाई जाती है, उसके वजह से तला जाता है, फिर चाशनी में डुबो देते हैं। अरे ये सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है, सॉफ्ट है। हम पे करेंगे। और देखो पीछे कितना सब लोग आराम से देख रहा है, शूटिंग देख रहा है सब लोग। देखो सब शूटिंग देख रहा है। अच्छा, वेजिटेरियन है? सब वेजिटेरियन है, सब वेजिटेरियन है। अनुभव दा। आपका नाम था? सुमन गोस्वामी पुलक। इतना लंबा नाम क्या बोल, सुमन दा, सुमन गोस्वामी पुलक, सुमन दा, सुमन दा, सुमन दा, माय फेवरेट दादा अनुभव दा। हमारे फेवरेट दादा सुमन दा। ऑल्सो आई एम प्राउड, आई एम ऑल्सो प्राउड, बोथ ऑफ अस आर प्राउड ऑफ ईच अदर। है दादा, एक था पान, एक था सादा पान, सादा सादा पान, मिष्टी पान खान, भालो कोड़ा नहीं आते हो आप? मिष्टी पान। यहाँ पे ओल्ड ढाका की गलियों में घूम कैसा लग रहा है, किसी पुराने जमाने के बॉलीवुड मूवी सेट पे आए हुए हैं। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट लग रहा है मुझे, है? वैसे ही पान की दुकान, छोटा सा टीवी लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, अपना बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पान के खाने की दुकानें हैं, रिक्शा भी चल रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही है, बस भी चल रहा है, ट्रक भी चल रहा है, कार भी चल रही है, सब्जी वाला, सब कुछ, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। मतलब एक जो माहौल है वो एक शब्द में कहूँ मैं अगर, तो इंटेंस माहौल है। और इसी के साथ हम अपना शाकाहारी बाज़ार के जायके का सफ़र समाप्त करते हैं। थैंक यू नीज़दा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपके साथ घूम के। आपने कुछ जगहों पे ये बिहाइंड द सीन रहे, कुछ जगहों पे सीन के आगे भी रहे हैं, और हमने बहुत सारे, ये भाई साहब हमें हर जगह मिल रहे हैं सुबह से शाम पे। तो ये है, घूमते रहते हैं, यही मज़ा है ओल्ड ढाका का। थैंक यू दादा, आपका भी। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और इसी के साथ हम अपना शाकाहारी बाज़ार के जायके का सफ़र समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे ढाका के किसी नए इलाके में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।